जी, चार मेन कैटेगरीज हैं आपकी पेपर की। नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, 20 to 30 marks। रेंज बता दी मैं इस रेंज में, इस एरिया में से टेस्ट करूँगा। एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 20 से 30 नंबर। प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप, 20 to 30 marks। इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, 20 to 30 marks। कहता है ये मेरी रेंजेज हैं, उसने चार मेजर एरियाज बना दिए। आप देखते हैं क्या वो अपनी रेंजेस को फुलफिल करता है। ये देखें बेटा, ये उसकी रेंज है 20-30 marks वाले। ऑटम 20 में, यानी रिसेंट टाइम में उसने 23 marks पूछे हैं इसमें से। September 20 29 marks, Autumn 19 15 नंबर, September 19 33 marks। इससे पहले ये ग्रिड ये नहीं थी, ग्रिड चेंज थी, लेकिन मैंने साथ ही लिख दिया 33 मार्क्स इस एरिया में से, 31, 43, 31, 33, 25। तो वो अपनी ग्रिड के मोर और लेस करीब तरीन रहता है। ये पास पेपर्स का एनालिसिस है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा पेपर में आता ही आता है। एक पेपर ऐसा, एक टॉपिक ऐसा है जैसे ये लिखा हुआ है जी, बुक्स ऑफ, ये टॉपिक देखिए हर अटेम्प्ट में पेपर में आ रहा है 10 to 15 marks। एक दफ़ा तो 23 marks भी दिए हमें, तो इंशाल्लाह ये हमें भी आ रहा होगा, हमने इस पर ज़्यादा फोकस करना है इस एरिया का। दूसरा टॉपिक ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, दो अटैम्प्ट में कंटिन्यूसली आया, फिर एक अटैम्प्ट का ब्रेक, फिर तीन में कंटिन्यूसली आया, फिर ब्रेक, फिर दो अटैम्प्ट में कंटिन्यूसली आ रहा है। तो इस पूरे एरियाज में से ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम भी इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट रेंज उसने बताई है 20-30 marks, कहता है मैं इसमें से पूछूंगा। तो रिसेंट टाइम में 24 marks, उससे पहले 17, 27, 18, 20, तो मोर लेस इस रेंज के करीब रहता है। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस ग्रेड में जो उसने कभी ना पूछा हो। हर ग्रेड, इस ग्रेड में से वो वक्तन में वक्तन सवाल पूछता रहता है। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हर अटेम्प्ट में वो सवाल पूछता है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो फ्रीक्वेंटली आस टॉपिक्स हैं, जो इस पेपर का इंटेग्रल पार्ट है, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी। जो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, वो भी हमने करने हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम कंपैरेटिवली कम करेंगे, चॉइस पे नहीं रहना हमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल देखें हर अटेम्प्ट में आता है और अपनी रेंज को भी मीट करता है, 20, 20, 25, 38, 37, 36। ये जब 38 की बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले बेटा ये ग्रिड या सिलेबस में चेंज था, ये दोनों अलग अलग टॉपिक थे। 15 मार्क्स पार्टनरशिप के होते थे और 20 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते थे। तो जब टोटल 35 मार्क्स थे, तो देखे 35 में से ही वो पूछता था, 35 to 40 थे, 38, 37 अपनी रेंज में ही रहता था। तो उसको पता है मैंने किस एरिया में से कितने पेपर्स का मार्क, कितने मार्क्स का पेपर देना, उसको फॉलो करता है। लास्ट अटेम्प्ट देखिए 20-30 मार्क्स, इसमें 24 नंबर आए हैं रिसेंट टाइम में, 23 नंबर आए हैं 22। उससे पहले बेटा ये ग्रेड चेंज थी, ये ग्रेड चेंज थी, इसलिए आपको इसमें वेरिएशन नज़र आ रही है। फिर लास्ट 3 अटैम्प्ट से MCQs पेपर में शामिल करना शुरू किए, तो 12, 11, 9 नंबर ये MCQ, यानी वो एरिया जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वहाँ से वो MCQ पूछ लेता है। तो अपनी ग्रिड को ना वो फॉलो करता है, मोर लेस उसके करीब तरीन रहता है, उस रेंज के अंदर रहता है। तो बड़ा डिसिप्लिन एग्जामिनर आपका।